हम ये समझते हैं कि 2019 में जो नवरत्ना का केस हुआ था, अगर उसका फैसला सही होता, अगर उस वक्त ये गलती नहीं होती कि हम एक कतील को खुदकुशी करार देते, तो उसके बाद जो वाकयात हुए हैं वो नहीं होते। हम इन तमाम इंस्टीट्यूशंस में जो कुछ हो रहा है इसकी मजम्मत करते हैं, और अब जो परवीन रिंग ने आवाज़ उठाई है हम इनके साथ खड़े हैं, हम नौशीन के साथ हैं, हम शाजिया खासखली के साथ जो हुआ उसके खिलाफ हैं। पहले तो सिर्फ ये होता था कि हरासमेंट होता था, अब हरासमेंट के बाद कत्ल कर दिया जाता है। इतने तशद्दुद्ज़दा माशरे में हम रहते हैं कि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि चारों तरफ कितना तशद्दुद बढ़ गया है। मेरा नाम शीमा किरमानी है और हम यहाँ सारे कराची और सिंध के सिविल राइट्स एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से इकट्ठा हो रहे हैं इस बात के लिए कि सिंध में और कराची में भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जिस तरह से लड़कियों का, फीमेल स्टूडेंट्स का इस्तेमाल हो रहा है, हम उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना चाहते हैं। हम समझते हैं कि लड़कियों को एजुकेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, और अगर इस किस्म की चीज़ चलती रहेगी तो लड़कियां तालीमी इदारों में कैसे आएंगी। तो इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उनको पनिश किया जाए ताकि ये चीज़ रुके और लड़कियां एक सेफ़ माहौल में अपनी तालीम हासिल कर सकें। टीवी इस इवेंट को कवर करने आए हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। गज़ाला शफीक मेरा नाम है। आज हम सिविल सोसाइटी के लोग प्रेस क्लब पर मौजूद हैं, जो तालीमी अदारों में, स्कूलों, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में ख़ास तौर पर जो लड़कियों की बढ़ती हुई जिंसी हरासानी, फिर उनको अगवा करके कत्ल कर देना और फिर उसको ख़ुदकुशी का रंग देना। आप जानते हैं कि हमारा माशरा जो है यहाँ औरत की तालीम के तो वैसे ही हक में नहीं है, और अगर कुछ वालदैन हिम्मत करके अपनी बेटियों को पढ़ाने का ख्वाब देख लेते हैं, इतनी सख्त मुखालफत ख़ानदानी, माशरती, समाजी, मौशी सारी मुखालफतों को बर्दाश्त करते हुए अपनी बच्चियों के लिए एक कुव्वत का सबब बनते हैं, और वहाँ पर जाकर उनकी बेटी ना सिर्फ अपनी जान से हाथ धो बैठती है, ख़ानदान का के बेइज्जती होती है, ख़ानदान का मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहता। माशरे में ये ऐसी हरकत होती है तो लोग कहते हैं ये तालीम याफ्ता नहीं थे। तालीमी इदारों में तो सब तालीम याफ्ता लोग होते हैं, वहाँ भी हमारी बेटियाँ महफूज नहीं हैं, ना उनकी इज्जत महफूज है, ना उनकी जान महफूज है। खुदारा इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त नोटिस किया जाए, और ये जो बच्चियों की खुदकशी का रुझान बढ़ता जा रहा है इसके पीछे जिंसी हरासानी है और अगवा करके उनको कत्ल किया जाना है। अच्छा, ये आई एम अ प्रोफेसर इन इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, और ये बहुत जुल्म हो रहा है कि तालीम इदारों में इस तरह से बेहयाई फैला रहे हैं और लड़कियों को मार रहे हैं, ये इंतहाई गलत है। कौम की बच्चियां महफूज नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि सबको हिफाजत दें। हुकूमत का फ़र्ज़ ये बनता है कि उनको तहफ़ दें, और जो हुकूमत नहीं कर रही है तो हम हुकूमत से अपील करते हैं कि इस मामले में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस दे और औरतों के हकूक और उनको आज़ादी के लिए गामजन। अच्छा, एक ज़माने में हॉस्टल में वार्डन्स हुआ करते थे, वार्डन्स, वो भी औरत होती थी जो हिफाजत करती थी लड़कियों की, तो अब वो वार्डन वाला ज़माना क्यों नहीं है? अब ये तो लोगों से पूछना चाहिए कि ज़माना क्यों नहीं रहा, हालांकि हमें तो बहुत ज़्यादा आगे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन हम ये हैं कि आज तक इन्हीं चीज़ों में फंसे हुए हैं कि औरत को तहफ़्फ़ुज़ दें लेकिन जो कि हम नहीं देते हैं और उनकी आज़ादी छीनते हैं। और दूसरा, तालीम और सेहत अब अमीरों का शौक बन के रह गया है, गरीब के लिए, बेचारे के लिए तालीम, खासतौर पर मेडिकल की तालीम बिल्कुल मुश्किल हो गई है, तो इसके बारे में आप कुछ?
देखें सब इंसान बराबर हैं, तो मैं समझता हूँ कि सबको ये होना चाहिए जो इन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ और तालीम और सेहत सबके लिए है, तो ये सबको आना चाहिए कि सबके लिए होनी चाहिए। तो नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन, अच्छा नेशनल स्टूडेंट में, तो अब तालीम और सेहत अमीरों का शौक बन के रह गया है, यानी कि आपके और हमारे ज़माने में तालीम हुकूमत की जिम्मेदारी होती थी, सेहत भी जिम्मेदारी होती थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि तालीम बिकने वाली चीज़ है, तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? जब तक जो है वो जो अमीर और गरीब का फ़र्क इस ये समाज बनाए रखेगा, अमीरों के लिए वो बहुत सहल और आसान होगा उसको हासिल करना, और गरीब अगर चाहेगा भी तो उसको नहीं मिलेगी। आप जो है वो पब्लिक सेक्टर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका हाल और उनका अशर देख लें कि वहाँ पे तालीम का मेयार क्या है, और जो प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें भी मैं ज़ाती तौर पर तो उसमें जो कुछ पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है उससे मैं कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को नहीं मुतमईन नहीं समझता, लेकिन ये कि कम से कम होता ये है कि जो जो मार्केट में उनको लोग भेजने होते हैं वो उसकी तैयारी करके पूरी भेजते हैं। अच्छा ना, दोनों यूनिवर्सिटीज़ में इसका काम जो है वो अब ख़त्म हो गया। अच्छा, एक ज़माने में तालीम इदारों में ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल, स्कॉलरशिप ये सब हुआ करती थी, हुकूमत की जिम्मेदारी थी सब कुछ, अब तो ये प्राइवेट तालीम इदारे तो सिर्फ यानी कि लूटमार का अड्डा बन के रह गई। देखिए आप इस तरह मत कहिए कि लूटमार का अड्डा बनकर रह गए, बात ये है कि फिर जो टेक्सटाइल मिल वाला है वो भी लूट रहा है, है ना, जो फिल्म इंडस्ट्री में फिल्म बना रहा है वो भी लुटेरा है। बात ये है कि ये इकॉनमी किस नौयत की है, अगर वो मार्केट इकॉनमी है तो उसमें फिर वो काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट। अच्छा, वो तालीम के लिए अफोर्डेबल होनी चाहिए। देखिए तालीम जो है वो तो राइट है, अफोर्डेबल कैसे होनी चाहिए, वो तो राइट का हिस्सा है। अफोर्डेबल तो वो चीज़ होती है कि साहब मैं नहीं ख़रीद सकता, गवर्नमेंट ने जो है कोई सब्सिडी दे के मुझे जो है वो इस काबिल बना दिया कि मैं उसे खरीद। माशरे के इस मनफी रवैये की मजम्मत करने सब निकल कर आए हैं, ये हमारी बेटियां हैं और हमारी बेटियों के लिए अगर तालीम गाहें जो हैं कत्ल गाहें बन जाएंगी तो इससे बुरा हमारे लिए कोई बात नहीं होगी। हम मिनिस्टर हैं, हम डिप्टी स्पीकर हैं, हम MPAs हैं, अगर हमारे इतनी तादाद में होते हुए हमारी बच्चियों को इंसाफ नहीं मिलेगा तो ये तरीका नहीं है। सिर्फ किसी को उसके ओहदे से हटाना मसला नहीं है, तहकीकात के जो सामने आ रही हैं जो DNA रिपोर्ट से और जो सारी चीज़ों से, मैं गवर्नमेंट को कहती हूँ कि आपका काम था या आपने कराया या हमने कराया है, मैं डिपार्टमेंट मौजूद रहा, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जब ये सारी रिपोर्ट्स आ जाएँ तो हमारी अदालतें वक्त पर हमें फ़ैसला दें। कोई किसी को भागने नहीं दिया है, चाहे नौकोट के लोग हों, चाहे जो है हमारी बहन जो है उसके मसले के लोग हैं, ये सब जो हैं अभी यहीं हैं, हम किसी को भागने नहीं देंगे क्योंकि ये बच्चियां हमारी बच्चियां हैं, हमारे घर से भी बच्चियां निकल के तालीमी इदारों में जाती हैं, हम खुद नौकरियां करते और मुजाहरे करते हुए यहां पहुंचे हैं, तो अगर हमें नहीं होंगे सेफ तो कौन होगा? एक महीने से उसको इंसाफ नहीं मिला तो हमें क्या मिलेगा? ऐसी बात नहीं है, उसको क्या कहते हैं पूरा सुना गया है उनको, उनके फ़ोन की बात हो रही है कि उन्होंने कहा कि मेरा फ़ोन जो है क्योंकि एडमिशन वगैरह के मसाइल थे उसमें हैक करके उसको इस्तेमाल किया गया है, तो ये सारी चीज़ों को देखा जा रहा है। देखिए एक MPA खातून को समझा के चुप भी कराया जा सकता था, लेकिन उसको हर तरह की आज़ादी दी गई, और ये आज़ादी इसीलिए दी गई है कि हमारी बच्चियां हमारी खवातीन बोलती नहीं है पहले मरहले में, और अगर किसी ने आवाज़ बुलंद की है तो ऐसा नहीं हो सकता, किसी एक का स्टेटमेंट किसी के फेवर में नहीं आया है, हम अपनी बहनों के साथ खड़े हैं और हमारी ये ख्वाहिश है कि जहाँ भी जुल्म हो औरतें बोलें और हम सब उनका साथ दें।